हेलो एवरी वन ए पी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है गाइस जैसे से रिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था सोलह सात दो हज़ार बाईस सोलह जुलाई दो हज़ार बाईस बाई को गाइस इसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है सो so, प्लीज़ आप ज़रूर देखें और अपना आंसर जरूर मैच करें सो so, हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या था कैसे कैसे क्वेश्चन आया था क्या क्या इसका आंसर होना चाहिए सो so, यहाँ पे स्टार्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ठीक है इसमें क्वेश्चंस था टोटल सेक्शन मार्क्स इसमें कितना क्वेश्चन था यस सो हियर ट्वेंटी सो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन वन वन क्वेश्चन जब शरीर का तापमान फिल द ब्लैंक्स था होता है तब उसमा घात होता है करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना होना चाहिए करेक्ट यहां पे ऑप्शन आई डी दिया हुआ है करेक्ट आंसर वन जीरो फोर डिग्री फेरनहाइट से अधिक ठीक है हीट स्ट्रोक अकर वेन बॉडी टेम्परेचर इज अब अब वन जीरो फोर डिग्री फ़ारेनहाइट दिस वन करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द रोल ऑफ अ स्क्रब नर्स इन एन ऑपरेशन थिएटर ठीक है यहां पे पूछा गया है ऑपरेशन थिएटर में आपूर्ति परिचारिका की क्या भूमिका होती है करेक्ट आंसर ऑप्शन वन था शाल्य चिकित्सक के दौरान शाल्य चिकित्सक की सहायता करना और निर्जीवाणु टेबल सेट करना ठीक है टू असिस्ट सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी एंड सेटअप स्टराइल टेबल दिस वन द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड दैट रिलेट टू एन एजेंसीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस सच एज बजट आर कॉल्ड ठीक है सो so, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा फिजिकल रिकॉर्ड दैट इज अ करेक्ट वन ग्रीन में जो दिया हुआ है करेक्ट वन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इनटेक एंड आउटपुट चार्ट का लाभ नहीं है वॉट इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट and advantages of an intake and output chart correct answer imparting knowledge on pulmonary function next question which of the following chest physiotherapy device is used to provide information about the patient's inspiratory effort by measuring the एयर फ्लो एंड द एयर वॉल्यूम करेक्ट आंसर इंसेंटिव स्पायरोट्री डिवाइस आई एस दिस वन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक साइंस से ठीक है यहाँ सेक्शन मार्क्स दिया हुआ है फोर्टी ओके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे थे टेन फर्स्ट क्वेश्चन which of the following is called the microtubule organizing center in animal cells correct answer centrosome next question the proximal connection of meta, uh, meta -tarsals bone and tarsal bone make up the tarso metatarsal joint complex कॉमनली रेफर्ड टू एस क्या कहा जाना चाहिए इसे करेक्ट आंसर यहां पर है लिस्प्राइंक जॉइंट्स लिस्प्राइंस ज्वाइंट दैट इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जोक्राइन पैंक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्जोक्राइन पैंक्रियास इज अ रिस्पॉन्सिबल यहां पर है करेक्ट आंसर सीक्रेट डाइजेस्टिव इंजाइम्स आई एन एंड वाटर इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ लिवर फंक्शन टेस्ट निम्नलिखित में से यहां पे कौन सा यकृत क्रिया परीक्षण में शामिल नहीं है करेक्ट आंसर पेप्सिन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ दी फॉलोइंग डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड दी एथ्रोस्लोरोटिक अकल्सिव डिजीज ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी निम्नलिखित में से किस मधुमेह संबंधित जटिलता को अध्यय शाखा का एथिरठिन्य एति, अंतरोधी रोग कहा जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पर है पेरीफिलर आर्टरी डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोरुलेशन अकर कर एट विच स्टेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ कर यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ कर क्वेश्चन था सो करेक्ट आंसर स्टेशनरी फेज नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज गुड पॉस्टर सिंड्रोम यहाँ पे टाइप से पूछा गया है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पे है टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टीन वेयर डज द ट्रांसक्रिप्शन अकर इन अ प्रोकारटिक सेल्स ठीक है प्रोकारटिक सेल्स में अनुलेखन कहा होता है करेक्ट आंसर साइटो प्लाज्म नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द दिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन यहाँ पे हेपरिन का ऑफ एक्शन पूछा गया था करेक्ट आंसर यहाँ पे है प्रोलिंग प्रोलॉम्स क्लोटिंग टाइम ठीक है सो so, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा प्रोलिन प्रोलॉम्स क्लोटिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टीन वट इज एक्यूट कोलेसिस्टाइसटाइटिस ठीक है सो इनफ्लामेशन ऑफ गोल ब्लाडर दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट करना था यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्टीन दिए गए थे क्वेश्चन सिक्सटीन द फिफ्थ स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इज कॉल्ड फिफ्थ स्टेज डेमोग्राफिक साइकल्स का क्या कहा जाना है यहाँ पे करेक्ट आंसर है डिक्लाइनिंग करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैक्सीन दैट हेल्प टू प्रिवेंट डायरियल डिजीज यहाँ पे डायरियल डिजीज के लिए वैक्सीन पूछा गया था करेक्ट आंसर रोटावायरस वैक्सीन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टडी निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर आना है केस रिपोर्ट करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होमिसाइड एंड सुसाइड आर एग्जाम्पल ऑफ विच इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ होमिसाइड एंड सुसाइड निम्नलिखित में से किसके एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं विच इंडिकेटर के एग्जाम्पल के अंदर आते हैं ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पे है मेंटल हेल्थ नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पेशेंट सेंटर्ड कोलाबोरेटिव एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग विद द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग अ पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम इज कोल्ड क्या कहा जाना चाहिए करेक्ट आंसर यहां पर है डायग्नोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन वेब स्टेप यहाँ पे है स्टेप इन अ प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन ठीक है सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कंडक्टिंग नीड एसेसमेंट दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यात्री सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है ठीक है यहाँ पे है व्हाट डज पॉलिसी यात्री सुरक्षा एम अट करेक्ट आंसर प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फीमेल स्टालाइजेशन मीन्स फीमेल स्टाइलाइजेशन मींस यहां पूछा गया था करेक्ट आंसर यहां पर है ट्यूबलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दॉलोविंग इज अन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीकेशन फॉर कॉपर इन इंट्रा यूटराइन डिवाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीको कॉम्प्लीकेशंस पूछा गया था कोपर आईसीडी के लिए ओके करेक्ट आंसर पेलविक इन्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्सन और एनिमल्स हु हैज बीन इन्फेक्टेड विथ एन अडल्ट और सेक्सुअल फ्रॉम द पैथोजन इज कॉल्ड करेक्ट आंसर डेफिनेटिव हॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डिफिकल्टी इन सीइंग हियरिंग वॉकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिसबिलिटी डायमेंशन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक्टिविटी लिमिटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रोफिक स्टेट इंडेक्स ऑफ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स करेक्ट आंसर टोटल कैल्सियम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ए हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर निम्नलिखित में से कौन सा हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर नहीं है करेक्ट आंसर पॉपुलेशन डिजीज रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्रूद डेथ रेट दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यहां पे सोलर इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर काउंसलिंग यहाँ पे क्या होगा सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था फेसिंग द क्लाइंट स्क्वायरली ओपन पोस्टर लीनिंग टूअर्ड द क्लाइंट आई कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आया था क्वेश्चन हेल्थ प्रोमोशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे ट्वेंटी फाइव फर्स्ट क्वेश्चन अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाइट्री डाटा एंड यूजिंग अ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फूड लिस्ट टू एस्टिमेट द यूजल डाइट एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंज़प्शंस पैटर्न एंड हेल्थ आउटकम इज कॉल्ड क्या कहा जाना है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन in which year was the first eradication of recommended dietary allowance published correct answer 1943 next question which of the following factor is a common cause of fatty diarrhea yahan pe nimnlikhit mein se kaun sa karak वासी अतिसार का एक सामान्य कारण है Correct answer यहाँ पे है सिलियाक डिजीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंट्रा सेलुलरार फ्लूड यहाँ पे इंट्रा सेलुलरार फ्लूड का केमिकल कंपोजिशन अंत कोशिका द्रव की रासायनिक संरचना क्या है करेक्ट आंसर हाई लेवल ऑफ फोस्फेट एंड मैग्नीशियम दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्राइज ऑफ सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या शामिल है, होते हैं करेक्ट आंसर मिनरल्स एंड वाइटमिंस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मायोकार्डियम इन टू दी कार्डियक चैंबर्स निम्नलिखित में से कौन बी ऑक्सीजनित रोहित के रुधिर के हृदय पेशी से ध्रिकोषोंग में अपवाह के लिए जिम्मेदार होते जिम्मेदार हैं ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पे कोरोनरी वेन्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेन डिवाइड्स बॉडी इंटू अ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा प्लेन होना चाहिए करेक्ट आंसर है कोरोनल प्लेन ठीक है यहाँ पे कौन सा तल शरीर को अग्र और पक्ष भाग में विभाजित करता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कोरोनल प्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट ब्रेन का विच पार्ट ठीक है रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैलेंस पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम के लिए करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन सेरेबेलम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लीनिंग द आईज़ फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा क्या पर्पस पूछा गया है पर्पस ऑफ क्लीनिंग द आई ठीक है फ्रॉम द इनर कैंथस टू आउटर कैंथस सो करेक्ट आंसर टू प्रिवेंट लैक्रीमल पंक्चर इंफेक्शन ठीक है टू प्रीवेंट करेक्ट आंसर सेकेंड वन टू प्रिवेंट लैक्रीमल पंक्चर इन्फेक्शन पंक्टम ठीक है नोट पंक्चर पंक्टम इंफेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ग्रेड ऑफ प्रेसर सोर कॉज डैमेज टू दी स्किन टिशू मसल्स एंड बोन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पूछा गया है ग्रेड पूछा गया है ओके सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन लास्ट वन ग्रेड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड टू इम्प्रूव इनवायरमेंटल सैनिटेशन करेक्ट आंसर टू थाउजेंड फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग द टोटल फूड सिस्टम फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू कंज्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड बोन इलनेस इज कॉल्ड क्या कहा जाना चाहिए इसे करेक्ट आंसर यहाँ पे है हजार्ड एनालिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट दिस वन दैक्ट आंसर ठीक है एक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हजार्डस मटेरियल और वेस्ट एट द हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड करेक्ट आंसर इंसिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एम्फासाइज द डिलीवरी ऑफ एक्सटर्नल एयर टू ईच पार्ट ऑफ द स्पेस एंड द रिमूवल ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स जनरेटेड इन ईच पार्ट ऑफ द स्पेस इन एन इफिशियंट मैनर सो क्या कहा जाना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होता है इसका एयर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर फ्लो पैटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज सी मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वाटर का मोलिकुलर यहाँ पे वेट पूछा गया है करेक्ट आंसर होता है एटीन पॉइंट जीरो वन फाइव ग्राम पर मोल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हालोजिनेशन इज कॉल्ड फॉल्स परसेप्शन ऑफ ज्वाइंट और मसल्स सेंस ठीक है यहाँ पे हालोजिनेशन करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन लास्ट वन कैनेथेटिक्स हेलोजिनेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोमोटर एक्टिविटी बिलोंग टू विच कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ठीक है साइकोमोटर एक्टिविटी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वन अपियरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर्स इन ए हाउस प्रोवाइड क्रॉस वेंटिलेशन एक घर में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रॉस वेंटिलेशन प्रदान करती है करेक्ट आंसर डोर्स एंड विंडो फेसिंग इच अदर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज कॉल्ड ए प्लेजर केमिकल इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में निम्नलिखित में से किसे आनंद दायक रसायन कहा जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड वन डोपामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू प्रमोट इंटरनेशनल कंपार्टिबिलिटी इन दी कलेक्शन प्रोसेसिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ़ मोटालिटी स्टैटिस्टिक्स करेक्ट आंसर यहां पे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ अ पर्सन बिहेवियर बिहेवियरल एंड कॉग्नेटिव फंक्शनिंग इज कॉल्ड क्या कहा जाना है करेक्ट आंसर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन था वट इज कन्वर्सन डिसऑर्डर ठीक है कन्वर्सन डिसऑर्डर करेक्ट आंसर डिफिशिट्स इन सेंसरी और मोटर फंक्शन रिलेटेड टू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज कॉल्ड कन्वर्सन डिसऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी इन्फैक्ट डिमेंसिया इज कॉज बाय एम आई डी इज कॉज बाय किसकी कॉज्ड कि, यहां पे पूछा गया है सो मल्टीपल स्ट्रोक्स करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आई सी डी डी एस एम मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस बिलोंग टू करेक्ट आंसर एफ टेन एफ नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन था

नेक्स्ट को यहाँ देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन रीनेम्ड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन ईयर कि कौन से ईयर में रीनेम्ड कहा गया रीनेम्ड एज सो इन द ईयर एटी फाइव करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड ईयर ऑन फिफ्थ में करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वर्ल्ड हेल्थ हैंड हाइजीन डे फिफ्थ में नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ बोथ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म्स इज कॉल्ड क्या कहा जाना चाहिए इसे करेक्ट आंसर था स्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन च ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज कम्प्लीटली किल एंड एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम सो कम्प्लीटली कहा गया है यहाँ पे ठीक है क्या कहा जाना है करेक्ट आंसर यहां पर है सर्जिकल एसेप्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन प्रिवेंट करना है सर्वाइकल कैंसर के लिए है सो so, यहां पे करेक्ट आंसर एच वैक्सीन नेक्स्ट क्वेश्चन राइस वाटर स्टूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ करेक्ट आंसर कोलेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोविंग इज कॉल्ड इंटरनेशनली अवेलेबल कॉलेरा वैक्सीन ठीक है इंटरनेशनली यहां पे कोलेरा कोलेरा के लिए वैक्सीन अवेलेबिलिटी यहां पे है करेक्ट आंसर यहां पे है ड्यूकोराल नेक्स्ट क्वेश्चन था ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ सो ओ आर एस ठीक है इसका क्या इसमें मिक्सचर पूछा गया था येस yes, करेक्ट आंसर यहां पे होगा क्लीन वाटर सुगर एंड सॉल्ट स्वच्छ जल चीनी एंड नमक नेक्स्ट क्वेश्चन था इन मलेरिया मैच्योर ट्रोफोजोइट रिप्लीकेट एंड डिसरप्ट विच सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड कोस सेल लाइसिस ठीक है करेक्ट आंसर इरेथ्रोसाइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉज क्वार्टन फीवर किस प्लाज्मोडियम प्रजाति के प्रजाति के कारण चतुर्थ ज्वार होता है ठीक है क्वार्टन फीवर करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम मलेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर विच केयर विच केयर फोकसेस ऑन दी केयर कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन विथ अ सीरियस इलनेस एंड हु इज अप्रोप्रिय अप्रोचिंग द एंड ऑफ लाइफ ठीक है सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होस्पिस केयर नेक्स्ट क्वेश्चन था वट इज द एक्सपेंशन ऑफ ग्रेस इन इंटरडिसिप्लिनरी प्राइमरी केयर मॉडल ठीक है सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा द जेरियाट्रिक रिसोर्सेस फॉर द एसिसमेंट एंड केयर ऑफ एल्डर्स नेक्स्ट क्वेश्चन था द फिजिकल थेरेपीज इन पेन मैनेजमेंट इंक्लूड ठीक है सो फिजिकल थेरेपीज यहाँ पूछा गया है क्या होना है कोल्ड पैक एंड मसाज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच फारोलॉजिक मेजर्स इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग न्यूरोपैथिक पेन न्यूरोपैथिक पेन के लिए यहाँ पे क्या हो यूज़ होना चाहिए करेक्ट आंसर सिरोटोनिन नोरपिनेप्रिन रियाप्टिक इनहिबिटर ठीक है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द गोल ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सनस विथ डिसाबिलिटीज टू के हिसाब से ठीक है सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना है फिजिकल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिहाबिलिटेशन ऑफ पर्सनस विथ डिसाबिलिटीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मिनिइट जर्मिसाइड अप्लाइड ऑन अ लिविंग सरफेस इज कॉल्ड ठीक है सो so यहाँ पे क्या कहा जाना चाहिए एंटीसेप्टिक्स सो so, सजीव सतह पर लगाए जाने वाला सजीव सतह ठीक है लिविंग सरफेस कहा गया है सो दैट वन कोल्ड एंटीसेप्टिक्स मोन्टेक्स टूबरकुल टेस्ट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू विच ऑफ दी फॉलोइंग रूट ठीक है सो so, इसे किस रूट के थ्रू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंट्रा डरमल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था डोज रिलेटेड अडवर्स ड्रग रिएक्शन इज कोल्ड ठीक है सो so, खुराक से संबंधित औसत प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या कहलाती है डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए डोज सो so, क्या कहलाती है करेक्ट आंसर यहां पे है युगमेंटेड नेक्स्ट क्वेश्चन था वैसोप्रेसर्स आर मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू वैसोप्रेसर करेक्ट आंसर इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सोटालोल इज अ बीटा ब्लॉकर दैट ब्लॉक्स दी सो क्या ब्लॉक्स करना है करेक्ट आंसर था यहाँ पे पोटासियम चैनल पोटासियम चैनल ऑफ द हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटोनड वैक्सीन निम्नलिखित में से लाइव एटोनेटेड वैक्सीन कौन से हैं करेक्ट आंसर रूबेला नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी अवॉइडेड वाइल्ड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स सो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है फॉलो यहां पे अवॉइडेड ठीक है करेक्ट आंसर इसमें क्या होना चाहिए था अप्लाई आइस ओवर बर्न एरिया ठीक है सो दिस वन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the ऑफ is इज नॉट ए साइन ऑफ अग्रॉ ड्रॉइंग victim? ठीक है सो so, यहां पे क्या पूछनी मनलिखित में से कौन सा विकल्प एक डूबने वाले पीड़ित का संकेत नहीं है करेक्ट आंसर यहां पे है नॉर्मल फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट फेस एंड लिप्स आर पिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स अपियर ऑन दी स्किन ड्यू टू ट्रोमा दे आर कॉल्ड क्या कहा जाना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है खरोच ठीक है ब्रूसिस नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इसमें क्या रोल था ठीक है चारकोल यहाँ पे ट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल कहा गया है सो करेक्ट आंसर स्टॉप फॉर्दर ऑब्जॉर्ब पॉइजन ब्लड दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ not cause gastroenteritis? निमनलिखित में से कौन सा वायरस जो है नोट कॉज कह रहा है ठीक है सो करेक्ट आंसर यहां पर इंफ्लुएंजा वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन था

ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दिस वन करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन था फंगल लारेंजाइटिस कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग फंगल लारेंजाइटिस ठीक है यहां पे इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन बी फ्लूकोना जोल दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर इन विच दी बैक ऑफ द नोज इज क्लोज इज कॉल्ड क्या कहा जाना चाहिए सो करेक्ट आंसर क्वानल एट्रेसिया कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन विच बैक ऑफ द नोज इज क्लोज कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हेल्थ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से ये क्वेश्चन है करेक्ट इसमें था क्वेश्चन नंबर थे टेन टेन क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन वट इज़ कोल्ड स्टर्निंग इन माल न्यूट्रीशंस इन माल सो करेक्ट आंसर लो वेट फॉर एज ठीक है लो वेट फॉर एज नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन एंड ट्वेंटी फोर सॉरी ये था विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्री ट्रिक्स फॉर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ एटीन एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स सो करेक्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन था टेनी वाइट स्पॉट दैट अपियर इन साइड दी माउथ फॉलोविंग मीजल्स आर कोल्ड ठीक है तो क्या कहा जाना चाहिए करेक्ट आंसर दिया हुआ था करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ है कोपलिक स्पोर्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड इन इरेक्शन थ्यूरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एट स्कूल एज सो स्कूल एज के लिए यहाँ पे क्या है साइको सोशल डेवलपमेंट एट स्कूल एज अकॉर्डिंग टू इरेक्शन थ्योरी ठीक है सो so, ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू फ्रूड अकॉर्डिंग टू यहां पे फ्रूड कहा गया है इसके पहले इरेक्शन था करेक्ट आंसर लेटेंसी स्टेज दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैक्टीरियल टॉक्सिन स्किल हेल्दी टिश्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फॉर्म अ ग्रे कोटिंग मेम्ब्रेन ठीक है यहाँ पे कौन सा जीवाणु विष श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य उत्तकों को मार देता है और एक ग्रे कोटिंग की कुट छिली बनाता है करेक्ट आंसर कोर्नी बैक्टीरियम डिपथीरिय नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज कॉल्ड अ सीरम हेपेटाइटिस तो सीरम हेपेटाइटिस किसे कहा जाना है करेक्ट आंसर हेपेटाइटिस बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच टेपो विच टैपोम इन्फेक्शंस कॉजेस सिस्टी सिर सिस्टी सिरकोसिस ठीक है सो so, यहाँ पे किसे क्या सिस्टी सर सिरकोसिस ठीक है सो so, क्या कहा जाना है कौन सा सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर टीनिया सोलियम कॉज करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ विच जीन कॉज डाउन सिंड्रोम करेक्ट आंसर क्रोमोजोम ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ अस्थमा निम्नलिखित में से सिम्टम ऑफ अस्थमा करेक्ट आंसर डायलिशन ऑफ द एयरवे नेक्स्ट यहाँ पे मिडवाइफ्री नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम दी मिडवाइफ्री यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए थे ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग पार्ट इन ब्रो प्रेजेंटेशन ब्रो प्रेजेंटेशन के लिए लीडिंग पार्ट पूछा गया था करेक्ट आंसर बिटवीन एंटीरियर फोन्टनियल एंड ऑर्बिटल रिज्ड नेक्स्ट क्वेश्चन थे अ ट्रांसपोर्स ग्रुप फॉर्म बिटवीन दी अपर एंड लोअर यूटराइन ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज कॉल्ड क्या कहा जाना चाहिए अवरुद्ध प्रसव के दौरान ऊपरी और निचले गर्भाशय के बीच बनने वाली अनुप्रस्थ घाच को कहा जाता है करेक्ट आंसर बैंडल्स रिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज मेरालजिया पारस्थेटिका करेक्ट आंसर कंप्रेशन ऑफ द लैटल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व दैट वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच स्टेज ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स डज द कैंसर स्प्रेड बियॉन्ड पेल्विस ब्लाडर एंड रेक्टम स्टेज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन रिकरेंट मिसकरेज इज ऑल्सो नोन एज क्या कहा जाना है रिकरेंट मिसकरेज करेक्ट आंसर दिया हुआ है हेबिचुअल अबोशन नेक्स्ट क्वेश्चन था वट इज द आउटर लेयर ऑफ यूटरस आउटर लेयर यूटरस का क्या कहा जाना है करेक्ट आंसर दिया हुआ है पेरीमेट्रियम नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर द यूटराइन मसल्स कॉन्टैक्ट पावरफुली एंड लीड टू करेक्ट आंसर कंप्रेशन ऑफ दी टोन ब्लड वेसल्स दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द फीटस इज यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द फीटस करेक्ट आंसर फ्लेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द रीजन ऑफ हार्ट बर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ट बर्न का रीजन पूछा गया है करेक्ट आंसर यहां पे है रिगर्जिटेशन ऑफ स्टोमक एसिड इनटू दी एसोफेगस नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन डज फोलिकुलर फेज ऑफ मेंसुरल साइकिल बिगिंस फोलिकुलर फेज ऑफ मेंसुरल साइकिल कहा गया है बिगिंस ठीक है सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस अंटिल ओब्यूलेशन दिस वन करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऊजेनेसिस द रिसम्पन्स ऑफ माइटोडिक डिविजन एंड रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी अकर ड्यूरिंग करेक्ट आंसर ओब्यूलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फ्लैट पेल्विस निम्नलिखित में से फ्लैट पेल्विस किसे कहा जा रहा है कहा जाना है ठीक है सो करेक्ट आंसर दिया हुआ है प्लेटिप्लोइ पेल्विस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल जेस्टेशनल एज ऑफ द फिटस ठीक है तो यहां पे जेस्टेशनल एज ऑफ अ अट्स पूछा गया था करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अबाउट टू एटी डेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एल एमपी नेक्स्ट क्वेश्चन था इन ब्रो प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्यूटस द हेड लाइज करेक्ट आंसर बिटवीन फुल फ्लेक्शन एंड फुल एक्सटेंशन दिस वन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लासेंटा निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए ये किसका फंक्शन प्लासेंटा का नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लासेंटा कहा गया है करेक्ट आंसर ग्लैक्टोपोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज शो निमनलिखित दिया हुआ है ठीक है शो क्या है कहा जा रहा है सो करेक्ट आंसर एक्सपल्सन ऑफ ब्लड मिक्स विथ म्यूकस नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपगार अपगार का फुल फॉर्म पूछा गया था करेक्ट आंसर अपियरेंस पल्स ग्राइमस एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नॉर्मल अम्यूनिटिक फ्लूइड इंडेक्स अम्योनोटिक फ्लूड इंडेक्स करेक्ट आंसर फाइव सेंटीमीटर टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन माइल्ड इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी विदाउट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट फिटल मूवमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट फिटल मूवमेंट क्या कहा जाना है Correct answer quickening. Tweaking, tweaking, okay? Next question from the healthcare management. Number of questions five. They. First questions. Which of the following is a modification of team nursing and focuses on the patient's geographic locations for staff assessment? Correct answer: modular nursing. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्राइमरी नर्सिंग प्राइमरी नर्सिंग किसे कहा जाना है प्राइमरी नर्सिंग कंटिन्यूटी ऑफ नर्सिंग एंड केयर डिलीवरी दैट वन करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन अ मेथड ऑफ टैलिंग द अप टू डेट बुक बैलेंस विद द एक्चुअल फिजिकल बैलेंस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड क्या कहा जाना चाहिए करेक्ट आंसर स्टॉक वेरिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स इन इंडिया इज कॉल्ड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड आई सी यू वट इज दी नर्स पेशेंट रेशियो इन जनरल वार्ड ठीक है सो यहाँ पे नर्स पेशेंट रेशियो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल और यहाँ पर आई सी के अनुसार ठीक है करेक्ट आंसर वन इज टू सिक्स ओके गाइस सो इतने थे जैसे सी रिम्स के क्वेश्चंस ठीक है क्वेश्चंस आया हुआ था आप लोग जल्दी से अपना आंसर मैच करें ओके थैंक यू थैंक यू सो मच